फ्रेंड्स, आपके पास टीवी, डीटीएच, एसी या फिर ऐसा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस होगा जो कि हमारा चलने के लिए रिमोट की ज़रूरत होती है, और ये हमारा रिमोट चलने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। और हम यहाँ पर जो बैटरी का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा नॉन रिचार्जेबल बैटरी होता है, और वो वाली बैटरी हमारा एक दो महीने के अंदर ख़राब हो जाता है, यानी कि उसके अंदर की जो चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा ये रिमोट काम करना बंद कर देता है। जब हम यहाँ पर नया बैटरी डालते हैं तब जाकर हमारा रिमोट काम करना स्टार्ट करता है। इस तरीके से हमारा रिमोट में बैटरी चेंज करने के लिए हमारा पैसा भी खर्च होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इसके लिए एक परमानेंट सलूशन आपको बताऊंगा। अगर आप इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आप अपनी रिमोट को रिचार्जेबल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी रिमोट को रिचार्जेबल बनाने का फायदा ये है कि जब भी आपकी रिमोट की बैटरी की चार्ज ख़त्म हो जाएगी तब आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पर बार बार बैटरी डालने की और निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसके दौरान आपका पैसा और टाइम दोनों की बचत होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपनी रिमोट को लेना है और इस रिमोट को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एयरटेल डीटीएच का रिमोट है और इस रिमोट को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया हूँ, आप जैसे वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी रिमोट को ओपन कर लेना है। तो इस रिमोट के अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये ऊपर की एक ढक्कन हो गया, और उसके बाद ये हमारा रबर की जो हमारा स्विच हो गए। और फ्रेंड्स, इस रिमोट के अंदर आपको एक सर्किट बोर्ड दिख रहा होगा, इसको हम रिमोट की मदरबोर्ड भी बोलते हैं। इस मदरबोर्ड के ऊपर हम एक छोटा सा काम करेंगे हमारा इस रिमोट को रिचार्जेबल बनाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए। तो इस रिमोट की जो सर्किट बोर्ड है इसके ऊपर आपको दो LED यहाँ पर दिख रहा होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर दो स्प्रिंग दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की दो स्प्रिंग सभी रिमोट में होता है। यहाँ पर ये जो नीचे में जो इस प्रकार की स्प्रिंग होता है ये हमारा पॉजिटिव के लिए यूज होता है बैटरी की, और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो इस प्रकार की स्प्रिंग होता है ये हमारा बैटरी की नेगेटिव के लिए यूज होता है सभी प्रकार की रिमोट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए दो स्प्रिंग है इसको मैंने हटा कर यहाँ पर दो वायर को सोल्डरिंग कर दिया हूँ। यहाँ पर जो ये रेड वाला वायर है ये हमारा पॉजिटिव के लिए है, और यहाँ पर ये जो येलो वाला वायर है ये हमारा नेगेटिव के लिए है। तो आपको भी इस प्रकार से दोनों वायर को सोल्डरिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इस रिमोट की पीछे की तरफ जो हमारा ढक्कन है उसको लेंगे, और यहाँ पर हम चार्जर सर्किट को लगाएंगे, जिसके दौरान हम हमारी बैटरी को मोबाइल चार्जर से चार्ज कर पाएंगे। तो इस सर्किट को लगाने के लिए मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से होल कर दूँगा और इस सर्किट को लगा दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर सर्किट को लगा दिया हूँ, और जो सर्किट की दो वायर है इसको मैंने यहाँ पर इस होल से निकाल दिया हूँ, और यहाँ पर मैंने फेविक्विक लगाकर इसको टाइट कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी इस रिमोट के अंदर बैटरी लगाने के लिए खाली जगह है तो आप इस रिमोट के अंदर बैटरी को लगा सकते हो, लेकिन इस रिमोट के अंदर बैटरी लगाना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रिमोट को वापस से फिट कर देता हूँ जैसे इसको निकाला था, और बैटरी को मैंने इस रिमोट की बाहर लगाऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चार वायर देख सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों लंबी वाली वायर आप देख रहे हैं रेड और येलो, ये हमारा इस रिमोट की जो मदरबोर्ड की वायर है। यहाँ पर हम बैटरी का सोल्डरिंग सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर येलो वायर को हम इस मोबाइल बैटरी की नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग करेंगे, और यहाँ पर जो रेड वायर है इसको हम इस बैटरी का पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग करेंगे। तो मैं इस बैटरी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिक्स करके इस वायर दोनों को सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर दोनों वायर को इस बैटरी की दोनों टर्मिनल के साथ सोल्डरिंग कर लिया हूँ, और यहाँ पर ये जो चार्जर की दोनों वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको भी मैं इस बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ सोल्डरिंग कर दिया हूँ। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस बैटरी को पूरी अच्छी तरीके से टेपिंग करके यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैं इस बैटरी को यहाँ पर टेपिंग करके फिक्स कर लिया हूँ, और मैं अभी इस रिमोट को टेस्ट करके भी देख लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी मैं रिमोट की स्विच को दबा रहा हूँ यहाँ पर हमारा ऊपर में एक रेड LED ग्लो कर रहा है।
यानी कि हमारा ये रिमोट पूरी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फ्रेंड्स, जब मैंने यहाँ पर बैटरी को लगाया था, एक बात आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर आपको सिर्फ 3.7 वोल्ट की ही बैटरी यूज करना है, और यहाँ पर आप मोबाइल की बैटरी यूज कर सकते हो या फिर जो 18650 की लिथियम आयन बैटरी आता है उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3.7 वोल्ट की ही बैटरी यूज करना है। और यहाँ पर मैं इसको चार्ज करके भी दिखा देता हूँ, जो हमारा मोबाइल चार्जर आता है उसके दौरान आप इसको चार्ज भी कर सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो चार्जिंग इंडिकेटर लगाने के लिए तो आप LED और रेजिस्टर का इस्तेमाल करके यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर भी लगा सकते हो, लेकिन वो इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये बैटरी यहाँ पर डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर हम कोई भी प्रोटेक्शन मॉड्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इस बैटरी को सिर्फ 5-10 मिनट चार्ज कर देंगे तो ये आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाएगा। और वैसे भी हमारा ये बैटरी इतना ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारा रिमोट है ये हमारा इस बैटरी से ज़्यादा चार्ज नहीं लेगा और ये ज़्यादा वाट की भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कम चार्ज इस बैटरी से लेगा और ये हमारा बैटरी काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा उस बैटरी के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। आज के लिए मैं रहता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।